इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। अलग अलग टॉपिक पर हम आपके सामने वीडियोस बनाकर लाते हैं और आज वीडियो बनाकर लाए हैं, जी हां, तमिलनाडु से, जहां पर तमिल नववर्ष के शुभारंभ के मौके पर, शुरुआत के मौके पर देवी के मंदिर का श्रृंगार किया गया। देवी के मंदिर का श्रृंगार जो किया गया वो करीब 6 करोड़ रुपए उसकी कीमत आई। 6 करोड़ रुपए का श्रृंगार देवी का किया गया तमिल नववर्ष के शुरुआत के मौके पर श्रृंगार किया गया। कोयंबटूर का मंदिर है, कटूर अंबिगई मुथुमरियम्मन का मंदिर है, कटूर अंबिगई मुथुमरियम्मन का मंदिर जिसमें कि श्रृंगार किया गया और उसमें 3 करोड़ रुपए के तो देवी को गहने ही पहनाए गए। जी हां, 3 करोड़ रुपए के देवी को गहने पहनाए गए और बाकी 3 करोड़ रुपए नोटों में थे, जिससे कि श्रृंगार किया गया। मां के गर्भगृह का आसपास का श्रृंगार किया गया। इसमें 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया इस मंदिर के श्रृंगार के लिए। और खास तौर पर जब तमिल नववर्ष का शुभारंभ होता है, पूरे तमिलनाडु में लोग बहुत उत्साह से इस नववर्ष की शुरुआत को मनाते हैं और जब इस नववर्ष की शुरुआत को मनाते हैं तो आसपास एक उत्सव जैसा माहौल होता है, क्योंकि तमिलनाडु एक धार्मिक प्रदेश भी कहा जा सकता है। वहां पर इस तरह की मंदिरों में सजावट, मंदिरों में लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं भगवान का, लिहाजा मंदिरों को भी विशेष तौर पर सजाया जाता है। और कोयंबटूर के इस कटूर अंबिगई मुथुमरियम्मन मंदिर में इसीलिए सजावट की गई थी, हालांकि ये सजावट अपने आप में खास और एक अलग सजावट यहां पर उभर कर सामने आई, जहां पर देवी के गहने ही 3 करोड़ के थे और 3 करोड़ रुपए के नोट से देवी का गर्भगृह और आसपास मंदिर में सजाया गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या दक्षिण भारत में इस तरह का रिवाज है? वहां पर मंदिरों की सजावट कुछ इसी तरीके से की जाती है? क्या ये उनकी परंपरा का आपको हिस्सा लगता है? जो भी आपके दिल में ख्याल हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।